होली का त्यौहार है राइट, हम सबका फेवरेट, हम सब कलर्स खेलना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि हमारी स्किन पे उसका क्या इफेक्ट होगा, हमारे बालों पे क्या इफेक्ट होगा, हम क्या प्रिकॉशंस लें होली के दिन और उसके बाद हम उस कलर को कैसे हैंडल करें। तो मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर अप्रतिम गोयल, डर्मेटोलॉजिस्ट और आपकी स्किन सेवियर। तो होली के दिन क्या होता है कि हमारी स्किन, कई तरह की स्किन होती है, आप में से कुछ लोगों की स्किन पे एक्ने होंगे, ऑयली स्किन होगी, कुछ लोगों की स्किन बहुत ड्राई होगी, या कुछ लोगों को कुछ पिगमेंटेशन, मेलास्मा या कोई और टैनिंग होगी। तो आप सब क्या करें, सो पहला रूल ये है कि हमें अपनी स्किन को हाइड्रेट करना है, मॉइस्चराइज करना है, राइट। तो इसके लिए या तो आप जो मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हो, अदरवाइज अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो ये पहला रूल है कि आप अपनी स्किन पे पहले मॉइस्चराइजर लगाएं। सेकंड क्या करें, होली का दिन आ गया है, सेकंड आप यूज़ करेंगे एक प्रोटेक्शन फिल्म, यानी एक बैरियर, जो होगा एक ऑयल। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है जिन लोगों को एक्ने हैं वो डर भी रहे होंगे कि हम ऑयल कैसे लगाएं, राइट। सो जिन लोगों को एक्ने हैं वो एक्ने, ये ऑयल वाला स्टेप अवॉइड करें, वो सिर्फ अपना मॉइस्चराइजर लगाएं, उसके ऊपर जो आपके डॉक्टर ने, डर्मेटोलॉजिस्ट ने प्रिस्क्राइब की होगी एंटीबायोटिक क्रीम, वो लगाएं। सो आपने ये, और ये आपको एटलीस्ट होली खेलने से एक घंटे पहले मॉइस्चराइजर, अपनी एंटीबायोटिक क्रीम और उसके ऊपर ऑयल, ये आपको रिचुअल फिनिश कर देना है, राइट। उसके बाद जब आप होली खेलने जाएं, उससे सिर्फ आधा घंटे पहले या 20 मिनट पहले आपको सनस्क्रीन यूज़ करनी है। अब सनस्क्रीन के बारे में भी आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे कि कौन सी सनस्क्रीन, कितना SPF होना चाहिए, क्या SPF फैक्टर हो। सो पहली बात तो कोई भी सनस्क्रीन जिसका SPF फैक्टर 30 से ज़्यादा हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत चिपचिपी यानी कि जो फिजिकल सनस्क्रीन है वो अवॉइड कीजिए, बिकॉज ऑलरेडी बहुत गर्मी होती है होली के टाइम, आपको पसीना भी आएगा, ऑलरेडी स्किन पे बहुत कुछ लगा हुआ है। तो अगर आप इस पे बहुत फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ करेंगे तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो मैं वैसे नीचे आपको कुछ सनस्क्रीन्स के नाम सजेस्ट कर रही हूँ, लेकिन जो भी आपकी फेवरेट सनस्क्रीन हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब आपकी स्किन तो रेडी हो गई होली के लिए, लेकिन बॉडी की स्किन और बालों का क्या? तो बॉडी की स्किन के लिए, क्योंकि आप इतनी सारी सनस्क्रीन और ऑयल्स और मॉइस्चराइजर नहीं लगा पाएंगे, जितना पॉसिबल हो आप कोई भी स्विम सूट या कोई टाइट साइकिलिंग शॉर्ट्स या ये स्कूबा सेट या आपका अगर स्विमिंग सूट हो, जो आपके पास फुल बॉडी हो, तो वो पहनिए अंदर, और उसके ऊपर आप जो भी अपनी वाइट ड्रेस, आई एम श्योर हम सब कलर्स को देखना चाहते हैं अपने ऊपर, तो ऊपर से आप अपनी फेवरेट वाइट ड्रेस पहन सकते हैं। लेकिन अगर आपके हैंड्स या लेग्स जो एक्सपोज होने वाले हैं, सी एज अ डॉक्टर मेरा सजेशन हमेशा होता है कि ग्लव्स पहन लीजिए, राइट। अभी आप देख रहे हैं कुछ कलर तो यहाँ भी है ये होली का वीडियो शूट करते वक्त, राइट। तो कलर तो बैठता ही है, कलर नेल्स के अंदर बैठता है, कलर हमारे स्किन फोल्ड्स में बैठता है। तो आप आपका जो भी साइज़ हो, ये जो ग्लव्स हैं सर्जिकल ग्लव्स, आप देखेंगे मैं यहाँ ग्लव्स की फोटोग्राफ भी डाल रही हूँ, और ये ग्लव्स बहुत साइज़ में अवेलेबल है, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। अब आती है बात बालों की और पैरों की। तो पैरों में आप सॉक्स या शूज़ कुछ पहने, इसमें भी आप रेन शूज़ पहन सकते हैं, अगेन जिसमें कि पानी ठहरेगा नहीं। मेन टेंशन जो होती है मेरे पेशेंट्स को वो होती है बालों की, क्योंकि ऑलरेडी जिन्हें हेयर फॉल हो रहा हो वो तो बहुत साइक हो जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हमारे बालों का क्या होगा। सो बालों के लिए ऑयलिंग इज़ अ वेरी गुड रिचुअल। नॉर्मली आई टेल माई पेशेंट्स टू अवॉइड ऑयलिंग, बट यहाँ हमें कुछ भी स्लिपरी बनाना है, जो आपके अगर आपके स्पेशली कलर्ड बाल है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो ऑयलिंग है वो नॉर्मल ऑयलिंग नहीं है, ये ऑयलिंग आप सिर्फ स्कैल्प पे नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे जो आपका जो, क्योंकि कलर है वो क्या होता है, जैसे आप देखेंगे मेरे कलर्ड बाल है, तो इस पर अगर कलर जाता है तो कलर ना बालों के अंदर बैठ जाता है, बिकॉज इस वक्त ये एक छलनी की तरह होते हैं आपके बाल, और उसके अंदर जाके कलर बैठ जाता है। तो अगर आप उसको प्री कोट कर लेंगे ऑयल के साथ, और सिर्फ ऑयल नहीं, उसके ऊपर आप अपना कंडीशनर यूज़ करेंगे। अब आप बालों को या तो ब्रेड कर लीजिए, छोटी छोटी चोटियाँ बना लीजिए, अदरवाइज आप एक लूज बन भी बना सकते हैं, और अगर आपको एक कलरफुल स्कार्फ बना के कोई डिज़ाइन, क्योंकि अच्छा भी दिखना है राइट होली के टाइम, सो आप वो भी कर सकते हैं। सो बहरहाल बालों को आपको प्रोटेक्ट करना है विद ऑयल एंड विद कंडीशनर। अब जब कलर्स आपने खेल लिया, अगर ऐसा हुआ कि कलर्स के दौरान आपको कहीं पे बर्निंग स्टार्ट होती है स्किन पे, इचिंग स्टार्ट होती है, तो समझिए कि ये जो भी आपको स्किन पे रिएक्ट कर रहा है, इमिजिएटली आप उसको पानी के नीचे रन आउट कीजिए।
अगेन हमारी स्किन जो है ये एक लिविंग ऑर्गन है, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होते हैं जो एक के ऊपर ऐसे ईंट की दीवार की तरह ये सेल्स होते हैं, तो कभी कभी कलर्स स्पेशली अगर वो हार्मफुल केमिकल्स हैं तो वो इसके बीच में से स्किन के अंदर जाते हैं और स्किन पे बहुत डैमेज कर सकते हैं। होली के अराउंड हमें हमेशा केसेस आते हैं जहाँ या तो उनको आई में कोई प्रॉब्लम आई या स्किन पे ब्लिस्टर्स, इचिंग, रैश, बहुत कुछ, बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और आप में से कुछ लोग ये जानते भी होंगे। तो जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम हो आप कलर को रन आउट कर दीजिए, उसके ऊपर कोई भी सोप या केमिकल या डेटॉल कुछ भी मत यूज़ कीजिए, जस्ट रन इट डाउन विद वाटर, बिकॉज वाटर बिल्कुल न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट, व्हाट यू विल अप्लाई ऑन इट, अगर आपके घर पे कच्चा दूध है जो ठंडा है तो आप उसकी सिकाई कीजिए, और अदरवाइज आप कैलमिन लोशन लगा सकते हैं, आपके घर पे कोई एलोवेरा का पौधा हो तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं, अदरवाइज एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आप एक माइल्ड स्टीरॉयड क्रीम जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डॉक्टर मिलते हैं उस दिन डर्मेटोलॉजिस्ट तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट यू गो एंड सी योर डर्मेटोलॉजिस्ट। अब बात आती है कि अगर आपको ऐसा कुछ नहीं हुआ तो क्या, तो आपको सबसे पहले जो ऊपर ठहरा हुआ कलर है, अब जैसे ये कलर है राइट, तो व्हाट आई विल डू फर्स्ट इज़ कि मैं इसको पहले झाड़ दूंगी। सबसे पहले ज़रूरी नहीं है कि आप जाके नहाएं, इतनी जल्दी में मत रहिए, पहले आप एक सॉफ्ट क्लॉथ लीजिए, मसलिन क्लॉथ, और जो एक्स्ट्रा कलर है इसको डस्ट ऑफ कर दीजिए। जब आपका ये कलर निकल गया अब आप ज़्यादा देर धूप में मत खड़े रहिए, बिकॉज जब यूवी लाइट कलर वाले हैंड्स पे स्किन पे गिरती है तो इसमें अगेन एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है और वही आपकी स्किन को डैमेज करता है। सो इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, कोई भी माइल्ड ऑयल, यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कोकोनट ऑयल लें। सो कोकोनट ऑयल में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, वो एंटी फंगल भी होता है, तो आप जेंटली ऑयल लीजिए और इसको हल्का सा जेंटली कोशिश कीजिए उसके बाद कपड़े से वो कलर निकालने की। अब जितना कलर ऑयल के बाद रह गया अब आप जाके शावर ले सकते हैं। बालों के लिए माइल्ड शैम्पू यूज़ कीजिए और बॉडी के लिए आप एक माइल्ड बॉडी वॉश यूज़ कीजिए। आई यूजली टेल टू अवॉइड सोप, बिकॉज सोप में ज़्यादा एल्कलाइन होता है, उसमें ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, तो आप एक जेंटल वॉश से पूरी बॉडी को वॉश आउट कर दीजिए, उसके बाद आप लगाएंगे मॉइस्चराइज़र, बिकॉज स्किन से काफ़ी कुछ निकल चुका है कलर के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट जो निकला है वो है आपकी स्किन की प्रोटेक्शन लेयर, यानी आपकी स्किन की मॉइस्चराइजिंग लेयर। सो इमीडिएटली आप बॉडी मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए, जो आपका रेगुलर मॉइस्चराइज़र हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप में से कुछ प्लान कर रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए तो पिक अ मॉइस्चराइज़र जिसमें शिया बटर, सेरामाइड्स, ग्लिसरॉल, ये सब एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो। अब आपका कुछ कलर तो रह भी जाएगा, सारा कलर आज के दिन आपको रिमूव नहीं करना है, स्पेशली जो आपके नेल्स हैं। ओके, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा लेमन, क्योंकि अक्सर लेमन को ऐसा माना जाता है कि सारा कलर आपको लगता है कि हम इससे ब्लीच आउट करके निकाल दें, लेकिन नहीं, लेमन ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अपने फेस पे या पूरी बॉडी पे यूज़ कर सकें, लेकिन जो रेजिस्टेंट एरियाज़ हैं जैसे आपके फीट, हैंड्स, अंडर ऑफ फिंगर्स, यहाँ पे आप एक लेमन का आधा टुकड़ा लेके और उससे निकाल सकते हैं, बिकॉज लेमन जूस इज़ एन एक्सेलेंट ब्लीचिंग एजेंट एंड इट ऑल्सो हेल्प्स रिमूव द कलर। और कलर हटाने के लिए एक बहुत अच्छी होम रेमेडी है जो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। पपीता तो राउंड द ईयर मिल ही जाता है, तो होली से पहले दिन एक ओवरराइप पपाया लेके और आप उसे बाहर ही छोड़ दीजिए, फ्रिज में मत रखिए। तो हमें चाहिए एक ओवरराइप पपाया, तो आप उसका 2 कटोरी पल्प ले सकते हैं, उसमें आप ऐड कीजिए बेसन और हनी, थोड़ी सी अगर स्किन ऑयली है तो आप थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज बेसन और हनी और पपाया, इसको मिक्स करके ये जो मिक्सचर बनेगा ना, इस मिक्सचर को जब आप जैसे ही कलर खेल कर आएँ तो इस मिक्सचर को जेंटली मसाज करके, और इससे कलर भी जल्दी निकलता है और आपकी स्किन को डैमेज भी नहीं होगा, बिकॉज ये एक्सफोलिएशन के साथ साथ आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करता है। आफ्टर ऑल दीज प्रिकॉशंस एक चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, वो है कि कलर कैसा यूज़ किया गया था। सी, अगर मेरा बस चले तो मैं सबको बोलूँ कि अपने घर पे कलर बना के होममेड या हर्बल या ऑर्गेनिक कलर्स यूज़ करें, लेकिन जब हम बाहर कम्युनिटी में होली खेलते हैं तो एक चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती कि आपके ऊपर जो कलर आ रहा है वो कलर कैसा है। तो आजकल ये कलर्स बहुत इंडस्ट्रियल डाइज होते हैं, इसमें बहुत हार्मफुल केमिकल्स भी ऐड हो सकते हैं, तो अगर ऐसा है कि आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम्स आई हैं स्किन की या बालों की, सो ये अब सही टाइम है कि होली हमने एंजॉय कर ली और अब आपको विजिट देनी है अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को।
सो ये प्रिकॉशंस माइंड में रखते हुए आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली। आई होप कि ये होली हम सब के लिए बहुत स्पेशल हो, बिकॉज बहुत टाइम हो गया है एंजॉय किए हुए, बहुत टाइम हो गया दोस्तों से मिले हुए और बहुत टाइम हो गया घर से निकले हुए, राइट? सो लेट्स एंजॉय दिस होली दिस ईयर विच इज़ वेरी वेरी स्पेशल। विश यू ऑल द बेस्ट, अ वेरी वेरी हैप्पी होली।